अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जिस लेसन की हम रीडिंग करने जा रहे हैं, ये फर्स्ट ईयर की न्यू इंग्लिश बुक से लिया गया है और ये एक पोएम है, पोएम सुर कहोरी। सुर कहोरी शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने लिखी थी और सुर का मतलब होता है चैप्टर। बेसिकली शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो कि सिंध के बहुत ही फेमस पोइट हैं और उनको भिटाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एक माउंट के ऊपर अपना वक्त गुजारा करते थे, भिट के ऊपर, और इसी वजह से उनका नाम शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रख दिया गया। अब इस पोइट्री की बात कर लेते हैं। ये पोइट्री बेसिकली इंग्लिश के अंदर है, ये पोएम आपकी फ़र्स्ट ईयर की न्यू इंग्लिश बुक के अंदर, लेकिन इंग्लिश में जस्ट इसे ट्रांसलेट किया गया है। ओरिजिनल जो इसका वर्जन था वो सिंधी में ही था और शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की जितनी भी पोइट्री है उनको जमा करके एक बुक की शक्ल दे दी गई थी, शाह जो रिसालो। और उस शाह जो रिसालों के अंदर टोटल 30 चैप्टर्स हैं, 30 सुर हैं, ठीक है। तो उसमें से एक सुर है सुर कहोरी। तो यहाँ कहोरी जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि एसेटिक्स। एसेटिक्स का मतलब होता है फ़कीर, आबिद, दरवेश, यानी जो कि दुनियादारी से दूर होते हैं और अल्लाह ताला की तरफ मायल होते हैं और बुज़ुर्गी में और उसकी बंदगी में अपना वक्त गुजारते हैं, यानी दुनियादारी से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता, दरवेश लोग होते हैं। तो कहोड़ी का मतलब होता है वंडरिंग एसेटिक्स, यानी जो दरवेश जो अल्लाह ताला की याद में उसकी तलाश में जो है घूमते फिरते रहते हैं, ठीक है। और यहाँ इसका थोड़ा सा इंट्रो भी दिया हुआ है कि कहोड़ी कौन होते हैं, ठीक है। और इस सुर के अंदर बेसिकली जो एसेटिक्स होते हैं, जो कि फ़कीर लोग होते हैं, दरवेश लोग होते हैं, उन्हीं के बारे में जो है ये पोएम लिखी गई है। और इस पोएम का जो पैटर्न है, ये इसके अंदर टोटल 6 स्टैंजाज हैं जिसमें से 5 जो हैं वो टर्सेट हैं, यानी कि 3 लाइंस के ऊपर कंसिस्ट करते हैं, जबकि एक जो कपलेट है इसके अंदर, यानी उसके अंदर 2 लाइंस हैं, 2 लाइंस का स्टैंजा है वो, तो वो एक कपलेट है और 5 इसके अंदर टर्सेट्स हैं, ठीक है। लेकिन पोएम स्टार्ट करने से पहले हमारे सामने 2 क्वेश्चन हैं। 1 है, कह रहा है कि रीड द वर्ड्स गिवन द डायग्राम एंड गेस द थीम ऑफ द पोएम। अब यहाँ नीचे हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और सर्किल एक बीच में रेड कलर का है जिसके अंदर हमें जो करेक्ट वर्ड है इन डायग्राम को देखकर हमें इसकी थीम बतानी है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो इसकी थीम बन सकता है। तो यहाँ कंपैशनेट, पेशेंट, करेजियस, फ्लेक्सिबल, ऑनेस्ट, हम्बल, कंसेंशियस, परसिस्टेंट, रेसिलियंट एंड डिसिप्लिन, ये कुछ वर्ड्स हैं। तो बेसिकली जो पोएम है जो एसेटिक्स के बारे में है, तो यहाँ ये जितनी भी क्वालिटीज़ हैं ये एक एसेटिक्स की ही बताई गई हैं, ठीक है। तो आप इसकी थीम बता सकते हैं कि एसेटिसिज्म, ठीक है, एंड राइट द थीम इन द सेंटर। सेकंड जो क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है तो हमने सेंटर में जो है उसकी थीम लिख देनी है, एसेटिसिज्म, ठीक है, यानी कि दरवेश जो पन होता है, यानी कि बुज़ुर्गी कह सकते हैं या आप इसे तकवा कह सकते हैं या परहेजगारी कह सकते हैं, ठीक है। पोएम की तरफ आते हैं। जो पोएम इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई है ये प्रोफेसर आमिना खमीसानी ने की है, ये जो इसकी राइटर हैं जिन्होंने इसे ट्रांसलेट किया है, जो ट्रांसलेटर हैं ये इंग्लिश लिटरेचर की एक बहुत बड़ी टीचर गुजरी हैं, सिंध यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए किया था और उसके अलावा इन्होंने बहुत सारे डिप्लोमे हासिल किए हैं जो कि ऑक्सफोर्ड से हासिल किए हैं। और सिंध यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक टीचर थी और उन्होंने शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की जो पोइट्री है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की जो पोइट्री है इनको बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर डिफरेंट ऑथर्स ने ट्रांसलेट किया है और उनमें से एक आमिना खमीसानी है जिन्होंने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो यहाँ ट्रांसलेशन जो है इंग्लिश में हमारे सामने मौजूद है। अब हम रीडिंग की तरफ आते हैं और लाइन बाय लाइन इसकी रीडिंग करते हैं विद ट्रांसलेशन। लेकिन रीडिंग की तरफ आने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इनकी जो पोइट्री है, क्योंकि इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट भी ईजाद किया था जिसे तंबूरो कहा जाता है और बहुत सारे सॉन्ग्स के अंदर वो तंबूरो यूज़ होता है एज एन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ बेसिकली उनकी जो पोइट्री थी वो रिलीजन वर्सेस स्पिरिचुअलिज्म, यानी कि रूहानियत सूफीज़म के साथ जो है ना रिलीजन के साथ उनका कंपेरिज़न होता था, यानी कि बेसिकली उनका मैसेज जो था वो लव का मैसेज था कि भाई मोहब्बत फैलाई जाए, नफ़रत को दूर किया जाए। और क्योंकि रिलीजन के अंदर म्यूज़िक हराम है लेकिन इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट ईजाद किया और बेसिकली ये अपना जो लव का एक मैसेज है वो पहुंचाना चाहते थे विद द हेल्प ऑफ पोइट्री, पोइट्री की मदद से।
और उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट ईजाद किया ताकि लोग उनकी बात को सुने, अपनी तरफ लोगों को माइल करने के लिए उन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट ईजाद किया था। तो अब रीडिंग की तरफ आते हैं। मदर आई सॉ दोज़ हु हैव बिलव्ड सीन, माँ मैंने देखा है उनको जिन्होंने खुदा को देखा है, यानी खुदा को जाना है। वन मस्ट स्टे अ नाइट विद दोज़ हु विद गॉड हैव बीन, लाजमी एक रात हमें उनके साथ रहना चाहिए। यहाँ वन मस्ट का मतलब हमें भी हो सकता है और हर एक के लिए भी यूज़ हो रहा है इंडिविजुअली, ठीक है। लाजमी हर एक को उनके साथ रहना चाहिए, उनके साथ जो खुदा को समझ चुके हैं। देयर रिकग्निशन बिकम्स अ राफ्ट इन दिस ओशियन ऑफ द वर्ल्ड, उनकी पहचान एक कश्ती एक बेड़ा है उस दुनिया के समुंदर में। कहोड़ी इज़ प्रिपेयर्ड अर्ली टू डिपार्ट, कहोड़ी जल्दी तैयारी कर लेते हैं रुखसत होने के लिए। सर्चिंग इन द रॉक्स रिड्यूस टू बोन्स दे आर, अब ये जो लाइन है ना रिड्यूस टू बोन्स दे आर, ये हाइपर बोले हैं, यानी किसी चीज़ को बढ़ाए चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। तो यहाँ वो कह रहा है चट्टानों में तलाश करते सिर्फ हड्डियाँ रह जाती हैं, यानी कमज़ोर हो जाते हैं वो लोग। गिविंग मच ट्रबल टू देयर बॉडीज दे सॉट देयर गोल, सॉट का मतलब होता है तलाश करना। तो यहाँ कह रहा है कि वो अपने जिस्म को तकलीफ़ देते हैं और अपने मकसद को तलाश करते हैं। देयर फेसिस आर ड्राई ऑन देयर फेस ऑन देयर फीट आर स्लीपर्स ओल्ड एंड टॉर्न, कह रहे हैं उनके चेहरे जो हैं वो खुश्क हो गए और उनके पैरों में फटी पुरानी चप्पल होती है। दे ट्रेवल्स डेट लैंड वेयर इवन द नोइंग वन आर लॉस्ट, कह रहा है कि वो उन रास्तों पर चलते हैं जहाँ जानने वाले भी जो है खो जाते हैं, यानी वहाँ के रास्ते जिनको पता होते हैं वो भी वहाँ पर खो जाते हैं, लेकिन ये फिर भी उन रास्तों पर चलते हैं। देयर सीक्रेटिव वंस टॉक सीक्रेट्स ऑफ डेट फार ऑफ लैंड, कह रहा है कि उनके पुर इसरार जो राजदार लोग होते हैं इस जो दूर दराज जगह के राज बताते हैं, यानी कि उनके जो पुर इसरार लोग होते हैं वो उनको वहाँ के दूर दराज इलाकों के बारे में बताते हैं, जगहों के बारे में बताते हैं। वेयर नॉट अ ट्रेस ऑफ बर्ड्स इज सीन फायर इज लिट, जहाँ किसी परिंदे का निशान तक नहीं देखते मगर आग भी जली हुई वहाँ पर पाई जा सकती है, यानी वहाँ पर आग जल रही होती है जहाँ पर किसी परिंदे का नामो निशान नहीं होता, वहाँ पर आग जल रही होती है, आग मौजूद होती है। हु सेव अ ग्रुप ऑफ एसेटिक्स कैन किंडल इट, कह रहा है कौन सिवाय उन दरवेशों के ग्रुप के इस आग को जला सकता है। अब ये एक क्वेश्चन मार्क के साथ यूँ सवाली अंदाज में पूछा जा रहा है कि भाई वहाँ पर अगर दरवेश ही होते हैं, दरवेशों के अलावा और कोई नहीं होता, तो लाजमन वहाँ पर दरवेशों ने ही आग जलाई होगी, एक ऐसी जगह पर जहाँ परिंदे भी पर नहीं मार सकते। दोज हु वेंट टू जंगल वर नॉट मिजल्ड, मिजल्ड का मतलब होता है गुमराह होना, कह रहा है वो लोग जो जंगल चले गए हैं वो गुमराह नहीं है। दोस ऑन हाई वे वर वे लेड, कह रहे हैं हाँ वो लोग जो हाई वे यानी आसान रास्तों पर गए हैं वो गुमराह हैं। दोज हु गेव अप बोथ द वर्ल्ड्स वर फ्रॉम इग्नोरेंस सेव्ड, यहाँ कह रहा है वो जिन्होंने दोनों जहानों को छोड़ दिया वो जहालत से बच गए। ट्रू सीकर्स स्टिल एग्जिस्ट, यहाँ कह रहा है कि हक की तलाश करने वाले आज भी जिंदा हैं। नोइंग ओनली टू दोज हु आर फॉर स्पिरिचुअल रिलीम्स, रिलीम्स का मतलब होता है रियासत, उनको वही लोग जानते हैं जिनका ताल्लुक रूहानी रियासत से होता है। हैविंग फाउंड देम दे हैव बिल्ट देयर नेस्ट क्लोज टू देम, नेस्ट मतलब हाउसेस, ठीक है घर। तो कह रहा है कि उनको तलाश करने के बाद वो अपने घोंसले अपने घर उनके करीब बनाते हैं, यानी उनकी सोहबत इख्तियार कर लेते हैं। तो यहाँ जो हमने रीडिंग की है, अगर इस पोइट्री को समझें तो इसका जो सेंट्रल आइडिया वो ये निकलता है कि द पाथ ऑफ कहोड़ी इज़ फुल ऑफ हार्डशिप्स एंड ट्रबल, के उनकी जो ज़िंदगी होती है उनका जो सफ़र होता है कहोड़ियों का वो बड़ा मुश्किलों से घिरा हुआ होता है, मुसीबतों से घिरा हुआ होता है। वो अपने आप को तकलीफ़ें देते हैं रूहानियत की तलाश में, यानी सच की तलाश में, खुदा की तलाश में अपने आप को वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं और दुनिया से बिल्कुल अलग थलग चलते हैं, टूटी चप्पलों के साथ, फटे पैरों के साथ, बगैर मुंह धोए खुश्क मुंह के साथ, और उनको दुनिया की कोई परवाह नहीं होती और वो पहाड़ों में जंगलों में चले जाते हैं और अल्लाह ताला को तलाश करने के लिए। तो यहाँ हमने लेसन की रीडिंग की है, अगर आपको कोई वर्ड समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।